हेलो माय डियर फ्रेंड, दिस इज वर्णिता। वेलकम टू यू ऑल इन वर्णिता इजी हेल्प। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास चार का चैप्टर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, आज हम इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, और इसमें आज हम किन पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं। सो आपके वो पॉइंट्स हैं, नंबर वन इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड न्यूमेरिकल्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड। इन तीन टॉपिक्स को हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट अस सी द मीनिंग ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बिफोर इट आई वुड लाइक टू वन मोर टाइम डिफाइन यू द मीनिंग ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो इलास्टिसिटी मीन्स, इलास्टिसिटी वर्ड अराइजेस फ्रॉम द इलास्टिक। ठीक है, इलास्टिक सबको पता है ना, उसमें खिंचाव होता रहता है, कम ज़्यादा होती रहती है। सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मीनिंग मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दोनों में डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या होता है कि किसी भी गुड्स की क्वांटिटी डिमांडेड में, जो किसी कोई भी एक गुड है, उस गुड की क्वांटिटी डिमांडेड में चेंजेस होते हैं, मीन्स कम ज़्यादा चेंजेस होते हैं उसमें, लेकिन अदर फैक्टर्स की वजह से। किसकी वजह से? ड्यू टू अदर फैक्टर्स, अदर फैक्टर्स और डिटर्मिनेंट्स और अदर फैक्टर्स हो सकते हैं। मीन्स यहाँ पे कोई भी फैक्टर जो है वो इन्फ्लुएंस कर सकता है गुड्स की क्वांटिटी डिमांडेड को। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मीन्स ये होता है कि किसी भी गुड की कमोडिटी में उतार चढ़ाव होना अदर डिटर्मिनेंट्स में चेंजेस होने की वजह से। तो अदर डिटर्मिनेंट्स को मैं पूरा का पूरा डिस्कस कर चुकी हूँ कि कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं जो किसी भी कमोडिटी की डिमांड को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। सभी को पता है फैशन, टेस्ट एंड हैबिट्स ऑफ द कंज्यूमर एंड द प्राइस ऑफ द गुड्स एंड रिलेटेड गुड्स एंड द कॉम्प्लीमेंट्री गुड, दीज आर द अदर, दिस इज द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो फ्रेंड, व्हाट इज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसमें आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के पहले क्या लगा दिया गया है? प्राइस। सिंपल टर्म्स में आप इसको समझिए, ज़्यादा दिमाग लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के पहले यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या लगा हुआ है? प्राइस लगा हुआ है, पी प्राइस लगा हुआ है। इसका मतलब प्राइस में चेंजेस होने की वजह से जो डेल्टा है, इस साइन को जो ट्राइंगल का साइन बना हुआ है, इसको हम बोलते हैं डेल्टा। ठीक है, डेल्टा मीन्स होता है, ये जो साइन है ये रिप्रेजेंट करता है चेंज इन को। ठीक है, प्राइस में चेंज इन मीन्स कम ज़्यादा, कम और ज़्यादा होने की वजह से जो किसी क्वांटिटी डिमांडेड में चेंजेस होते हैं उसे हम कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सिंपल सा है दोस्तों, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या नाम है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ मीन्स प्राइस में ड्यू टू अ चेंज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, चेंजेस अकर्ड इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी इज नोन एज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन सिंपल टर्म्स। ओके, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मैम मुझे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड समझ में आ गया हो, और अगर कोई क्वेरी है तो फिर आप वो भी पूछ सकते हैं। लेट अस सी द डेफिनेशन। ठीक है, कि प्राइस आई हैव रिटन इन शॉर्ट हेयर प्राइस पी डॉट ई डी, ई डी मीन्स होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, दीज आर द बेसिक टर्म्स। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी इन रिस्पॉन्स टू अ चेंज इन प्राइस, इन रिस्पॉन्स टू अ चेंज इन प्राइस मीन्स प्राइस में किसी भी कमोडिटी के प्राइस में चेंज होने की वजह से जो क्वांटिटी डिमांडेड में चेंजेस होते हैं उन्हें हम कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आई होप सो आप सबको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके फ्रेंड, एंड दिस इज द फॉर्मूला, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। हियर दिस साइन मींस चेंज इन, इस साइन को हम कैसे पढ़ेंगे? चेंज इन पढ़ेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे? चेंज इन।
आप प्लीज इसको एक कॉपी में अपनी ऐसे ही नोट डाउन करते चलिए फ्रेंड्स। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, चेंज इन परसेंटेज, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ओके, एंड वी कैन ऑल्सो राइट दिस इन दिस वे, मीन्स दिस फॉर्मूला इन दिस वे, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इन टू पी अपॉन क्यू। ओके फ्रेंड्स, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इन टू पी अपॉन क्यू। ओके फ्रेंड्स, मैम प्लीज नोट डाउन इट, द क्वेश्चन इज प्राइस ऑफ अ कमोडिटी राइजेस फ्रॉम रुपीज 5 to 6। ठीक है, एक कमोडिटी है उसका प्राइस 5 रुपए से बढ़ के 6 रुपए हो गया है, जिसकी वजह से एज अ रिजल्ट इस डिमांड फॉल्स फ्रॉम 100 यूनिट टू 80 यूनिट्स। फाइंड आउट प्राइस इलास्टिसिटी, पी डॉट ई डी ए लिखा है बेटा, मैंने यहाँ शॉर्ट में लिखा हुआ है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बाई परसेंटेज मैथड, मीन्स आप परसेंटेज मैथड की हेल्प से प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को फाइंड आउट करके बताइए। सो लेट अस सॉल्व इट, देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए पहले प्राइस क्या था हमारा, 5 रुपए था, फिर कितना हो गया, 6 रुपए हो गया। सो राइट हियर P1 मीन्स इनिशियल प्राइस, जो पहला आपका प्राइस दिया है, इनिशियल मीन्स शुरुआत का स्टार्टिंग। ठीक है, तो जो आपका P1 है या फिर ये कितना है, 5 है। ठीक है, ओके, देन योर P2 इज रुपीज 6। P2 आपका कितना है, P1 आपका 5 है। ठीक है, तो P2 आपका कितना है, 6 है। ओके, इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, चेंज इन प्राइस निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, चेंज इन प्राइस निकाल लेंगे, 2 में से 1 को माइनस करके, 6 - 5 इक्वल टू 1। सो दिस इज योर डेल्टा पी, मीन्स चेंज इन प्राइस। अब पहले 5 था, 6 हो गया, मीन्स 1 रुपए जो आपका प्राइस है, 1 रुपए क्या हो गया है, वो इंक्रीज कर गया है। ओके, नेक्स्ट आपका क्या है, जिसकी वजह से क्या हुआ है, क्वांटिटी डिमांडेड में भी चेंजेस हुए हैं, मीन्स पहले 5 रुपए पे कंज्यूमर 100 यूनिट्स को कंज्यूम करता था, अब वो क्या करते हैं, 6 रुपए पे 80 को, मीन्स 5। देखिए एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन डिमांड्स इस डिमांड फॉल फ्रॉम 100 to, मीन्स प्राइजेस के बढ़ने की वजह से डिमांड कितनी हो गई है, 80 हो गई है। तो यही हमने पढ़ा है कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। और ये देखिए यहाँ पे 5 पे 100 था और 6 जैसे ही बढ़ा वैसे 80 हो गया। तो इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेल्टा क्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो डेल्टा क्यू हमारा क्या हो जाएगा, 100 - 80 = 20। ओके गाइस, आप इसको नोट कर लीजिए अगर अभी तक आपने इसे नोट नहीं किया है, फिर मैं आगे नोट। ओके, सी आगे देखिए, ये हमने डेल्टा पी और डेल्टा क्यू फाइंड आउट कर लिया। ओके, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस का फॉर्मूला हमें जैसे पता है कि क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इक्वल टू, अभी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। फॉर्मूले को आप क्या करिए बेटा, 5 बार लिख के प्रैक्टिस करिए, वैसे तो ये बहुत इजी है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी, और फिर ये पी इधर चलाएगा, डेल्टा हट जाएगा, डेल्टा डेल्टा हट जाएंगे, पी अपॉन क्यू। इसकी पूरी एक थ्योरम है, मीन्स ये कैसे आता है मैं आपको ये बता दूंगी आगे वीडियो बनाकर। सो वी नो व्हाट इज द डेल्टा क्यू, इट इज योर डेल्टा क्यू, ये बेटा आपका क्या है, डेल्टा क्यू है, ये आपका डेल्टा पी है। वैल्यूज को पुट अप कर दीजिए, 20/1। पी और क्यू यहाँ पे इनका क्या मतलब है, ये पी और क्यू पे आपको कौन सी पी और क्यू की वैल्यू रखनी है दोनों में से, ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। सो पी मीन्स यहाँ पर होता है इनिशियल प्राइस, इनिशियल प्राइस ये है, इनिशियल प्राइस कौन सा है, ये है। P means क्या होता है बेटा, इनिशियल प्राइस, मीन्स स्टार्टिंग में जो प्राइस था, प्राइस में चेंजेस होने की वजह से। और Q means क्या होगा, इनिशियल क्वांटिटी डिमांडेड, मीन शुरुआत में सबसे स्टार्टिंग में जो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड थी प्राइस के चेंज होने से पहले, उसे हम कहेंगे Q। ओके, सो दिस इज योर P, ओके, एंड
दिस इज योर क्यू एंड दिस इज योर पी. ये है आपका इनिशियल प्राइस और ये है आपका इनिशियल क्वांटिटी. ओके, राइट इट हियर. हम यहाँ पे इसे लिख देंगे. पुट द वैल्यू, जो आपका शुरुआत में प्राइस होता है द स्टार्टिंग, ठीक है, उसी उसे हम कहते हैं इनिशियल प्राइस. और यहाँ पे उसी की वैल्यू और उसी क्वांटिटी की वैल्यू रखी जाती है. 5 रुपए पर 100 थी क्वांटिटी, ठीक है. जब 5 रुपए था प्राइस तो 100 क्वांटिटी थी. जो चेंजिंग वाली क्वांटिटी होती है वो बाद में उन्हें हम नहीं याद देखते. ओके, सो राइट इट हियर 5 and 100 एंड सॉल्व इट. इट इसको सॉल्व कर लिए. 25 ज़ा 100 and 1. ये कट गया, 1 आया. तो आंसर आपका कितना आ गया? इलास्टिसिटी ऑफ, फाइंड आउट द प्राइस इलास्टिसिटी बाय परसेंटेज मेथड. तो हमारी प्राइस इलास्टिसिटी कितनी आई है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारा 1 आया, ठीक है. इट इज इक्वल टू 1 मीन्स यहाँ पे अगर पूछा जाए कौन सी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है तो कौन सी है? यूनिटरी है. मीन्स कौन सी डिग्री है यहाँ पर प्राइस. अभी हम यहाँ पे डिग्रीज को डिस्कस करने वाले हैं. टोटल 5 डिग्रीज होती हैं, एक उसमें से होती है यूनिटरी. जब हमारी इलास्टिसिटी 1 के बराबर आती है तो उसे हम कहते हैं यूनिटरी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. तो यहाँ पर कौन सी प्राइस अगर पूछा जाए कौन सी डिग्री है तो फिर यहाँ पर है यूनिटरी. क्योंकि यहाँ पर जो आपका ये आया है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये 1 के इक्वल है. तो यहाँ पर अगर पूछे डिग्री कौन सी है तो आप लिखेंगे यूनिटरी. कौन सी लिखेंगे बेटा? यूनिटरी लिखेंगे. ओके, UNITARY. सो ये हो गया. अगर किसी ने अभी तक इसे नोट नहीं किया तो प्लीज़ आप इसे नोट डाउन कर लीजिए. और आपके बुक के पीछे के जो भी क्वेश्चंस दिए हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे, वो आप उन्हें प्लीज़ सॉल्व करिए. और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे पर्सनली मेरे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं या तो फिर